Michael. Maybe Chokitar, maybe Chokitar, maybe Chokitar. Ya. Chokitar chore, Chokitar chore, Chokitar chore. नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका इस गुदगुदाते एपिसोड में जिसका नाम है अरे पानी ला, पानी लाया क्या लाया? 60 ml. अरे तू किसी पार्टी वार्टी का एजेंट तो नहीं है और उसमें कहीं वोदका फोदका तो नहीं है? पीना तो पड़ा, हिचकी गायब, मतलब कोई मोदी भक्त या कोई पप्पू भक्त याद कर रहा होगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, राहुल भक्त याद कर रहा होगा। अब राहुल जी के लिए ये पप्पू नाम इतना कॉमन है कि गूगल पर हम जब टाइप करते हैं राहुल गांधी तो वो ये देता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या फिर ये आ जाता है सजेशन में, पप्पू गांधी। कभी कभी गूगल एक और बड़ी गलती कर देता है, मोदी भक्त के लिए फेकू भक्त दे देता है। इसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम होती है, क्यों? क्योंकि गूगल बेसिकली उसी की सुनता है जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है। हो सकता है 23 मई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाए, क्योंकि आखिरकार फाइनली जिसकी लाठी उसके बोलो बोलो उसके नहीं वैसे नहीं उसकी सीबीआई और अगर गलती से केंद्र में गठबंधन सरकार आ गई तो फिर तो गूगल वालों की असली परीक्षा होगी, क्योंकि तब वीक के डेज के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोम को दीदी, मंगल को नायडू, बुध को बहनजी। बुध को बहनजी एक ऑर्डर पास करेगी कि गूगल के डूडल पर कंपल्सरी रूप से दो हाथी का होना जरूरी है। उसके बाद गुरु को शरद पवार जी आ जाएंगे, शुक्रवार को अपने मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी, दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब घर की बात है, दोनों में कल छुटकारा कर लेंगे। और फिर शनिवार को खांसते हुए केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग तो होगा संडे, क्योंकि संडे को प्रधानमंत्री का चुनाव होगा चिट के द्वारा। सबके नाम की चिट लिखी जाएगी, एक बॉक्स में डाली जाएगी और फिर उसमें से एक चिट निकाली जाएगी, जिसका नाम निकलेगा वो उस दिन का राजा यानी प्रधानमंत्री। डेमो करके दिखाऊं आपको, लीजिए इसमें सारी चिटें हैं, ये से हमने निकाली। अब इस चिटों में से हम चेक करेंगे इसका नाम आता है, देखते हैं दीदी। तो आज प्रधानमंत्री है दीदी, लेकिन नेक्स्ट में क्या था? दीदी दी। दीदी फिर से दीदी दीदी दी। सारी चिटों में दीदी, ये तो वही हो गया जिसका डर था। इसका सबसे ज्यादा फायदा दीदी को ही होने वाला था, क्योंकि सारे चिट फंड घोटाले भी तो बंगाल में ही होते हैं। दोस्तों मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। कुछ दिन पहले मैं जब ऑफिस से लेट नाइट घर पहुंच रहा था तो बिल्डिंग के नीचे चौकीदार ऊँग रहा था। ऊँग क्या, लिटरली खराटे ले रहा था। तो मैंने उसे हड़का दिया, बोला ड्यूटी पे सोते हो, दैट मीन्स तुम भी चोर होते हो। इतना सुनते ही वो बिफर गया, बोला ओ साहब जी हमको मत कहो तुम चोर, नहीं तो हम मचा देगा शोर। और उसने सीटी ली, मुंह में डाली और मैं घबराया, पर फिर मुझ में भी जोश आया। मैंने भी बोल दिया, हमको नहीं ये तुमसे प्यार, क्योंकि मोदी की मुहिम में जुड़ने के बाद हमारे यहां भी हर एक घर में है चौकीदार। बस इतना सुनना था कि वो वहां से चला गया, और उस दिन के बाद से लेकर अभी तक मैं उस चौकीदार को ढूंढ रहा हूं। क्यों? अरे भाई जब भी रात को चौकीदारी करने की बात आती है तो किसी की बीवी बीमार हो जाती है, तो किसी के कुत्ते को दस्त लग जाते हैं। और भाई साहब एक जनाब ने तो हद कर दी, बोले इस चौकीदारी ने मुझको दारू की लत लगा दी। बोला जब सब सो जाते हैं तो हम दारू पी के टल्ले हो जाते हैं। खैर जब मामले का सुलटारा करने के लिए अपनी सोसाइटी की बैठक बुलाई गई तो अपने वर्मा जी अपने हाथ पे ये लिखा है, चौकीदार चोर है। हुआ यूं कि जब शर्मा जी की चौकीदारी की बारी आई तो वर्मा जी ने अपने घर का सामान खुद ही चोरी कर लिया। ओह नो, ताकि राहुल गांधी जी का चौकीदार चोर है ये स्लोगन प्रूव कर सके। इसे कहते हैं असली पप्पू भक्ति, या कांग्रेस भक्ति, या पार्टी भक्ति, तीनों एक ही बात है। खैर जब पूरे शहर में ऐसा होने लगा
तो हमने ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ चौकीदार के अध्यक्ष को फोन घुमाया। सोचा 10-20 रुपए होली की बख्शीश ज्यादा देकर मना लेंगे। तो सुनिए उधर से क्या जवाब आया। वो बोला, साहब जी, हमने तय किया है कि हम 23 मई तक केवल और केवल नेपाल में रहेंगे साहब जी, क्योंकि कांग्रेस वाले हमको चौकीदार बोलते हैं और बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि हर एक घर में चौकीदार है, तो साहब जी हम तो 23 मई तक वहीं रहेंगे। मैं खुश, मैंने सोचा 23 मई की बात तो आ जाओगे। तो क्या बोलता है, नहीं साहब जी, 23 मई की बात तो हमारी हड़ताल शुरू होगी साहब जी, हड़ताल। हमारी मुख्य रूप से दो मांगे हैं। पहली मांग की हमारी तनख्वाह दुगनी की जाए साहब जी, दुगनी। मैंने कहा तथास्तु। तो बोला, और साहब जी दूसरी मांग भी तो सुन लीजिए, हमारी दूसरी मांग है साहब जी कि हमारे जो चौकीदार शब्द है उस शब्द को अब हटा दिया जाए और उसकी जगह हमको बोला जाए होम सिक्योरिटी ऑफिसर, क्योंकि आप लोगों ने चौकीदार का जो ब्रांड नेम है उसको खराब कर दिया साहब जी, खराब कर दिया है। मैंने कहा ले, अब तो गई भैंस पानी में, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अब की बार अपना आखिरी शस्त्र छोड़ दिया। मैंने उसे बोला कि तुमने हमारा नमक खाया, प्लीज आ जाओ। तो क्या बोलता है सुनिए आप। साहब जी बिल्कुल सही साहब जी, मैंने आपका नमक खाया साहब जी, तो मैं पूरी चौकीदारी की पलटन को लेके आ जाऊंगा साहब जी, पर इससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा साहब जी। बोली साहब जी, देंगे जवाब साहब जी? मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, पूछो साहब जी। तो बताइए साहब जी कि चोर सबसे ज्यादा किस समय आते हैं साहब जी? मैं होशियार स्मार्ट बंदा, चट से जवाब दे दिया रात को। तभी वहां एकदम तूफान से पहले वाली शांति छा गई। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आई, गलत जवाब साहब जी, क्योंकि चोर सबसे ज्यादा चुनाव के समय आते हैं साहब जी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इतना सा भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल कॉमेडियन ड्रामा विद धर्मेंद्र को सब्सक्राइब करें प्लीज, और हाँ इस वीडियो को लाइक करें, और ये जो बड़ा सा घंटा दिया हुआ है इसको जोर से दबाएं ताकि पहल नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और हाँ जय चौकीदार श्याम जी।